अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अस्मा और हाज़िर हूँ झटपट किचन के एक नए एपिसोड के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अब तक मैं आप लोगों को बहुत सारी नई रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, जिनमें कुछ थी बहुत ही चटपटी लेकिन ज़्यादातर हैं तीखी या नमकीन रेसिपीज़। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मीठी रेसिपी। स्वीट डिश हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। मेरे ख़्याल में ज़्यादातर हमारे घरानों में जब तक मीठा नहीं हो तो खाना तो एक तरह से मुकम्मल ही नहीं होता। तो रमज़ान में भी दिल तो बहुत चाहता है कि हम कोई अच्छी मीठी ठंडी डिश खाएं, और इसीलिए मैं आज की जो डिश आप लोगों को देने वाली हूँ वो है टिरामिसू, जो मेरी फेवरेट डिश है। वो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्वीट डिशेस से हटकर है, बट आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगेगी। ये डिश यहाँ के तो तमाम रेस्टोरेंट्स में कॉमनली मिलती है और पाकिस्तान के भी रेस्टोरेंट्स में, लेकिन घर में लोग इसको इतना बनाते नहीं हैं। और शायद उसमें ना बनाने का रीज़न मेन यही होगा कि जो इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल होते हैं वो पाकिस्तान में इतने ईजीली अवेलेबल भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ ज़रूर अवेलेबल हैं। हर सुपरमार्केट में आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और घर में बनाने में बहुत ही ज़्यादा हमें डिश सस्ती भी पड़ती है और ढेर सारी तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हम जो अज़ा इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक कंपनी के रखे हुए हैं, ये कहलाते हैं स्पंज फिंगर्स या स्पंज केक, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये छोटे हैं। और ये टिरामिसू बनाने के लिए बड़े बेहतरीन हैं। ये मैं आपके सामने ये पैक खोल रही हूँ और देखिए, ये जिस डिश में मैं तैयार करूँगी मैं उसी डिश के अंदर ये मैं आपके सामने ये लगा रही हूँ। और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो हैं मैस्कारपोनी चीज़, जो मैंने यहाँ निकाल के रखी हुई है। और ये तकरीबन इतनी बड़ी डिश के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी कोई डेढ़ पैक। ये तैयार एक पूरा पैक आपको ये आराम से मिल जाता है जो सुपर स्टोर्स में, तो जो आप सही मुनासिब समझें, जिस स्टोर का आपको लेने की आदत हो आप वहाँ से ले सकते हैं। आई एम श्योर हर स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर ये मैंने बेस मैं आपको पहले सिखा रही हूँ, लेकिन नहीं, बेस पे जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ टोटली कि इसमें मैंने और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं। इसमें मैंने डबल क्रीम रखी हुई है और कंडेंस मिल्क। डबल क्रीम आप तकरीबन एक कप के बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं और कंडेंस मिल्क आधा कैन, और कॉफ़ी और ज़रा सी चीनी जो कि हम इस्तेमाल करेंगे इस पे एक सिरप बनाने के लिए जो मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारी बेस है इस डिश की वो इस तरह बनेगी कि जो भी आप डिश लें जिसमें कि आपको बनाना हो, तो उसमें आप ये जो स्पंज फिंगर्स या जो स्पंज आपके स्क्वायर्स जिस तरह आपने लिए हुए हों वो आप उनको इस तरह सेट कर लें। तो देखिए, इधर थोड़ी सी जगह बच रही है तो यहाँ पे मैं ज़रा से, और अगर ये कि पूरी अगर डिश में नहीं आ रहे हों तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उसको आधा करके और फिर भी आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, अब जब ये बेस में ये लग गए हैं तो अब हमें एक कॉफ़ी और चीनी के साथ गर्म पानी के साथ एक सिरप बनाना है, और वो सिरप इन केक्स के ऊपर डाला जाएगा जो इन केक्स को सॉफ्ट कर देगा। और इस बेस के दरमियान में ये जो आप जगह देख सकते हैं ये जगह पूरी फिल हो जाएगी, तो ये एक स्मूथ बेस बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चाहिए कॉफ़ी, मैं लूँगी अगेन, अगर आपको लगता है कि कॉफ़ी का फ्लेवर आपको थोड़ा कड़वा मालूम होता है तो आप उसमें कम कॉफ़ी डाल सकते हैं, लेकिन आइडियली आप इसके अंदर कम से कम आप 2 टीस्पून आप कॉफ़ी डालिए, क्योंकि ये 2 कप पानी के अंदर ये बनेगा, और 2 टीस्पून ही आप इसमें चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम हॉट वाटर,
इस सिरप को बनाने का मकसद यही है कि जो हमने केक्स जो हमने बेस में यूज़ किए हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉफ़ी को डिसॉल्व करने के लिए और चीनी को डिसॉल्व करने के लिए हम ये चमचा चलाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि ये आप जो सिरप तैयार हुआ है 2 कप, ये इतने केक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अगर हमें लगेगा कि ये पूरी तरह सोक नहीं हुए हैं तो फिर हमको थोड़ा और इसमें सिरप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मी पोर दिस फॉर यू। देखो कि किस तरह से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये हर केक के ऊपर ये बिल्कुल इस तरह डाल जाना चाहिए कि ये उसको मुकम्मल तौर पर सोक कर दे। कैन यू सी दैट? अच्छा, और ये ज़रा सा इसको थोड़ा सा हमें जैसे 1 मिनट हमें देना पड़ेगा कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सोक हो जाए, और बहुत जल्द आपको लग जाएगा। देखिए कि जैसे ही हमने डाला और ये इसका सरफेस जो है वो हमें फिर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, दैट मीन्स कि इसके अंदर अभी भी गुंजाइश है कि इसमें मैं और ये सिरप डाल सकती हूँ। तो ये पूरा मेरा इसमें जो 2 कप मैंने बनाया था सिरप, ये पूरा इसके अंदर चला गया है, और इसको ना सिर्फ ये कि मैं वक्त दूंगी कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए बल्कि ज़रा और सॉफ्ट भी हो जाए। तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि कोई आप 5 से 10 मिनट का अगर आप वक्फ़ा दे दें इसके जो भी हम इसमें जो ऊपर से इसका जो टॉप बनाएंगे उसके लिए, तो ये उसके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और इस तरह से जब ये सॉफ्ट होगा तो आप देखेंगे कि यू नो इट गेट्स रियली बिल्कुल सॉफ्ट होके, और ये बिल्कुल करीब आ जाएगा कि ये लगेगा कि ये बेस बिल्कुल जुड़ी हुई है, ये कि आपस में ये इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बेस जो है ये इस तरीके से ये तैयार हो गई है। आपने देखा कि ये कितना आसान है, मतलब अगर आप चाहें तो आप ये केक आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हैं, ये बहुत ही और बहुत सस्ते आते हैं ये केक, प्लेन केक्स, स्पंज के फिंगर्स या ये स्क्वायर्स बने हुए, तो वो आप आराम से बाज़ार में से तैयार ले सकते हैं। और इसमें सिर्फ हमने ये कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया और इसको अब हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। तो जब तक नाज़रीन ये ठंडा हो रहा है, आई टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई बी बैक वेरी सून, सो कीप वॉचिंग झटपट किचन।